जी तेंदुपत्ता जैसे सोना के बारे में सब जानते हैं, सोना का रंग सब जानते हैं। हमारे तेंदुपत्ता में जो है, तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। तो हरा सोना इसलिए क्या कहा जाता है कि इस सोने का जो है उपयोग, मतलब ग्रामीण को अभी तक नहीं मालूम था कि बीच बीच में हम लोग भी गांव में गए और उनसे चर्चा की, भाई आज हरा सोना के संबंध में बात करें। तो ग्रामीण को भी बताया कि हरा सोना मतलब ये है कि बूटा बूटा कटाई का जो है, मतलब बूटा कटाई मतलब बूटा छुपाई हमारा मेन प्राथमिकता है। इस हिसाब से मतलब किसान धान धान बोता है खेत में, अच्छे बीज चयन करके खेत में बोया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा साग कर्तन का जो काम होता है उसी के ऊपर पूरा दारोमदार रहता है कि तेंदुपत्ता की क्वालिटी कैसा होता है। जैसे अच्छा छपाई होगा तो हमको उसमें से एक 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 बूटा से कम 8-10 पीका आएंगे, 8-10 पीका आएंगे, और उसमें से एक एक से कम 24-25 पत्ता आते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो अपना जो गड्डी बनता है एक गड्डी 2.5 रुपया का पड़ता है, और अपना जो 24 मतलब जैसे बूटा के उसमें आते हैं तो 24-25 रुपया का एक बूटा से हमको प्राप्त होता है। और इसका जो है एक एक डगाल में कम 10-12 रहता है, 10-12, तो एक पत्ता का कीमत जो है हमको 25 पैसा, 22 से 25 पैसा पड़ता है। एक पत्ता का कीमत जो है 22 से 25 पैसा होता है। और ये जैसे मैंने बताया कि शिक्षा से लेके मृत्यु तक, शिक्षा से लेके मृत्यु तक हमारे तेंदुपत्ता से मिलते हैं। इसमें आपका साड़ी वितरण होता है, जूता चप्पल वितरण हो रहा है, मतलब शिक्षा को पढ़ाई लिखाई का दे रहे हैं, मृत्यु का हो दे रहे हैं। इस साल से उस तरीके से देखा जाए इसीलिए इसको हरा सोना कहा गया।